नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली एक और मूवी दोस्तों, जिसका नाम है बुलबुल, वो दोस्तों रिलीज हो चुकी है और आज हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों हम सब जानते ही हैं कि अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस में एक और वेब सीरीज आई थी जिसका नाम पाताल लोक है, जिसे लोगों द्वारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ये मूवी आई है बुलबुल। और वही दोस्तों मूवी की बात करें तो दोस्तों मूवी अच्छी है, जिसमें आपको एक्शन, हॉरर और थ्रिलर तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वही दोस्तों इस मूवी की कहानी की बात करें तो दोस्तों कहानी एक बड़ी सी हवेली के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके कई सारे राज होते हैं। वही दोस्तों बुलबुल की कहानी 20वीं सदी के बंगाल से शुरू होती है, जहाँ एक परिवार अपनी छोटी बेटी की शादी की तैयारी करता है। सत्या यानी कि अविनाश तिवारी और बुलबुल यानी कि तृप्ति डिमरी के प्यार की कहानी है दोस्तों ये बुलबुल। वही दोस्तों बुलबुल को सत्या से मोहब्बत हो जाती है, छोटी सी उम्र में उसकी शादी महेंद्र यानी कि राहुल बोस से हो जाती है। हालांकि लंबे समय तक बुलबुल और सत्या की मुलाकात होती रहती है, एक दिन सत्या कहीं चला जाता है, लंबे समय तक उसकी बुलबुल से मुलाकात नहीं हो पाती है। सत्या जब वापस लौटता है तो हवेली में सब कुछ बदल जाता है। उस हवेली पर किसी प्रेत का साया होता है, जो कि हर किसी को जान से मार देता है। इसी बीच महेंद्र की भी मौत हो जाती है और सत्या को इन सब से निपटना है। अब दोस्तों इस कहानी का ट्विस्ट जानने के लिए आपको ये फिल्म और इस कहानी में क्या क्या और राज खुलते हैं और बुलबुल का आखिर इसमें कैसा कैरेक्टर होता है, इसे देखने के लिए आपको ये मूवी देखना होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है दोस्तों। वही दोस्तों मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों इसमें एक्टर्स की एक्टिंग बहुत शानदार है। तृप्ति डिमरी ने बुलबुल का जो रोल निभाया है वो काफी इम्प्रेसिव लग रहा है और अविनाश तिवारी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वही दोस्तों राहुल बोस की एक्टिंग की बात कर लें तो राहुल बोस ने अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे से स्क्रीन पर उतारा है। साथ में दोस्तों आपको पावली डैम भी नजर आएंगी, लेकिन दोस्तों उसमें उन्हें उतना ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए था। साथ में दोस्तों इसमें आपको स्टोरी काफी इम्प्रेसिव देखने को मिलती है और पुराने जमाने का जिस तरीके से सेटअप दिखाया है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। वही दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में सेटअप है, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल का सेटअप इसमें दिखाया गया है वो काफी अच्छा लग रहा है। पुराने गांव में जिस हिसाब से बड़े लोग रहा करते थे, जमींदार लोग, उनकी स्टोरी को इसमें दिखाया गया है। वही दोस्तों इसका बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा है और इसमें जिस तरीके की सिनेमाटोग्राफी की गई है और VFX का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। वही दोस्तों इसके नेगेटिव पॉइंट की बात कर लें तो दोस्तों इसमें नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें बहुत खतरनाक हॉरर दिखाया जाएगा तो दोस्तों ये आपकी भूल होगी। दोस्तों इसमें हॉरर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। अगर इसमें हॉरर बहुत अच्छे से बताया जाता तो ये मूवी काफी शानदार बनती। वही दोस्तों इसकी स्टोरी की बात करें तो दोस्तों इसकी स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल लगती है, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल लगती है। ऐसी स्टोरी हम पहले काफी टीवी सीरियल्स में हम देख चुके हैं। वही दोस्तों इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले भी काफी ढीला है। पहले 50 से 55 मिनट आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगेंगे, लेकिन दोस्तों इतना होने के बावजूद भी ये स्टोरी आपको काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। और दोस्तों वो मैसेज क्या होता है ये तो दोस्तों आपको मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। वही दोस्तों इसे डायरेक्ट किया है अंकिता दत्ता ने, जो कि पहली बार मूवी डायरेक्ट कर रही है। और दोस्तों डायरेक्शन के लिहाज से मूवी को देखा जाए तो दोस्तों डायरेक्शन में थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन अगर आप उन थोड़ी बहुत कमियों को अगर नजरअंदाज कर देंगे तो आपको ये मूवी काफी अच्छी लगेगी। एटलीस्ट दोस्तों आप ये मूवी को एक बार तो जरूर देख सकते हैं। वही दोस्तों मूवी की रेटिंग की बात करें तो दोस्तों मैं मूवी को 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। और दोस्तों अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपकी क्या राय है इस मूवी को देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों वीडियो में बस यही था, मिलते हैं एक और नई ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।